कैसा लगेगा आपको जानकर कि मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था ना, उसमें से 10 लाख आ गए हैं। अबे नहीं हुआ है। पर ऐसा लोटस एम्प्लॉयज के 15 एम्प्लॉयज को जरूर लगा जब उनको SBI से मैसेज आया, आपके खाते में 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं। अब बात ये थी कि तेलंगाना सरकार के द्वारा दलित बंधु नाम की एक स्कीम चलाई गई, जिसके तहत 15 शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज को 10 लाख रुपए ईच के हिसाब से लोन दिया जाना था, और वो भी 100% सब्सिडी के साथ। मतलब ये पैसे इनको वापस नहीं देने थे। पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रंगारेड्डी ब्रांच के एक एम्प्लॉय ने एक छोटी सी गलती कर दी, उन शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज के बजाय लोटस हॉस्पिटल के 15 एम्प्लॉयज को ये पैसे ट्रांसफर कर दिए। शामिल झंडे, गलती का पता लगता ही SBI ने लोटस हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज को कहा पैसा वापस करो। 15 में से 14 ने वापस कर दिया। एक महेश ने कहा मैं पैसा वापस नहीं कर सकता। महेश ने कहा कि मैंने वो सारा पैसा खर्च कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मोदी जी ने अपना वादा पूरा कर लिया है और 15 में से 10 लाख आ गए हैं। हाँ, 5 लाख का अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप दोगे क्या? अब ये बातें सुनकर SBI ने महेश के खिलाफ IPC के सेक्शन 403 के हिसाब से कंप्लेंट दायर कर दी, और वो रंगारेड्डी ब्रांच के उस एम्प्लॉय के खिलाफ कुछ नहीं।